यह आखिरी गेंद इस ओवर का बल्लेबाजी में है वाइफा का जमान। बुमराह ने अभी तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है और ये हवा में गेंद, ये विकेट हो सकता है भाई, पहला ओवर हो गया। आसान सा कैच सैयद सैयद के पास और बुमराह और भारत को मिलता हुआ अपना पहला विकेट। और हमेशा की तरह भाई बुमराह ने दिलवाई पहली सफलता। An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing out in the end. बाबर आजम बल्लेबाजी में पुश किया यहाँ पे मिडोन के साइड और ये रन आउट का चांस हो सकता है। हार्दिक पांड्या भाई मिस नहीं करेगा और बिल्कुल मिस नहीं किया भाई। बाबर आजम यहाँ पे गलती कर बैठे यार और हार्दिक पांड्या की कोई गलती नहीं, एकदम हाथों में गेंद थी वो हार्दिक पांड्या के, वहाँ पे रन नहीं था। लेकिन पिछले दो तीन ओवर से रन नहीं मिलते थे पाकिस्तान को और बाबर आजम भाई थोड़ा सा प्रेशर में आ गए और अपना विकेट गवा चुके हैं यहाँ पे। हार्दिक पांड्या ने भाई कोई भी गलती नहीं करी और बहुत ही बड़ा रन आउट। मोहम्मद सिराज की अगली गेंद, मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी में और ये हवा में गेंद, ईशान किशन के हाथों में कैच है ये और बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा भाई डाइव लगा के। ये सेकंड स्लिप का कैच था भाई और ईशान किशन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लपक लिया उसको और भाई पाकिस्तान की यहाँ पे मुश्किलें बरकी हुई। 28 रन में तीसरा विकेट गंवाया और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए भाई भारत के गेंदबाज और मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अभी तक कोई भी विकेट नहीं ली थी, फाइनली एक विकेट लिया। परेशान कर रहे थे एक्चुअली दो तीन ओवर से और फाइनली उनको सफलता मिली। क्या क्या कैच पकड़ा ईशान किशन ने यार, एकदम डाइव लगाया लेफ्ट हैंड साइड में, बहुत ही बढ़िया कैच भाई। मोहम्मद रिजवान को जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। इस ओवर की आखिरी गेंद है भाई कुलदीप यादव के द्वारा, एक अच्छी साझेदारी हो गई है यहाँ पे इन दोनों बल्लेबाज के बीच में। 60 रन की साझेदारी बना दी है। मोहम्मद रिजवान 28 रन पे आउट हुए थे और उसके बाद सलमान और इमामुल हक ने अच्छी पार्टनरशिप करी है। और हम ना बॉलिंग चेंज करेंगे यार, जडेजा को लाते हैं क्योंकि ना स्पिन चाहिए यहाँ पे। कुलदीप अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो दूसरे साइड से भी स्पिन करवाएंगे और पहले जडेजा करेंगे अपनी पहली गेंद इस ओवर की। और ये हवा में गेंद और ये विकेट मिल गया भाई, अपना प्लान बिल्कुल वर्क कर गया भाई। अपने को प्लान, अपने जडेजा को लेकर आए थे बॉलिंग चेंज में और भाई पहले ही गेंद में इन्होंने एक बहुत ही बड़ी साझेदारी को तोड़ा यहाँ पे। और वापस जाना पड़ेगा भाई इमामुल हक को। बहुत ही बढ़िया कैच, कैच बहुत बढ़िया यार ईशान किशन का, एकदम सतर्क थे और भाई लपक लिया उसको। एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ पे, just too early on the shot and couldn't find the gap. जडेजा की अगली गेंद ये हवा में और ये एक और विकेट मिलता हुआ भाई, क्या बात है। जडेजा ने बैक टू बैक विकेट लिया यहाँ पे, पिछले ओवर में विकेट लिया था और इस ओवर में भी विकेट लिया भाई। और यहाँ पे ईशान की संख्या देखो यार, कैच भी पकड़ा भाई ने और स्टंपिंग भी कर दी कि कोई दौरा ही ना हो बिल्कुल भाई। ये देखो बल्लेबाज आगे बढ़ा, कैच पकड़ा और फिर स्टंपिंग भी कर दी कि भाई अगर कैच आउट नहीं देते तो स्टंप में तो आउट नहीं देंगे अंपायर। और एक और विकेट जडेजा के नाम। ये हवा में एक और बार ईशान किशन के हाथ में कैच और ये तो आसान सा कैच था भाई ईशान किशन के हाथ में। आज ये आई थिंक तीसरा या चौथा कैच आया भाई और उन्होंने सबसे आसान ये कैच था वैसे, और उन्होंने कोई भी गलती नहीं करी। चारों के चारों विकेट पकड़े उन्होंने, चारों के चारों कैच पकड़े उन्होंने और बहुत ही बढ़िया कीपिंग कराया आज भाई ईशान किशन ने। और यहाँ पे मोहम्मद सिराज को मिलता हुआ अपना दूसरा विकेट और ईशान किशन ने अपना चौथा कैच लपका है यहाँ पे। और शादाब खान जाएंगे वापस, सिराज की अगली गेंद बल्लेबाजी में है भाई इफ्तिकार अहमद, ये हवा में गेंद और विराट कोहली मेरे को नहीं लगता कोई गलती करेंगे भाई। आसान सा कैच और बिल्कुल भाई कोई भी गलती नहीं। और एक और विकेट मोहम्मद सिराज के नाम। फुल टॉस की गेंद, इफ्तिकार अहमद मारना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर से, कनेक्शन अच्छे से नहीं बन पाया और एक आसान सा कैच विराट कोहली के हाथ में भाई। और पाकिस्तान की मुश्किल और बढ़ती हुई भाई, एक और विकेट गिरा यहाँ पे। कुलदीप अपनी अगली गेंद डालेंगे, हवा में गेंद और एक और कैच, ईशान किशन बैड कैचिंग प्रैक्टिस करते हुए, पांचवा कैच आया उनके पास और ये बहुत अच्छी गेंद थी वैसे। थोड़ा सा तेजी से आ गई गेंद, समझ नहीं आया वहाँ पे बल्लेबाज को और एज लग गई और सीधा भाई ईशान किशन के हाथ में वो गेंद और कुलदीप यादव को मिली अपनी पहली सफलता। मोहम्मद सिराज डालेंगे अपनी अगली गेंद,
अभी तक 3 विकेट ले चुके हैं। ये एक और बार हवा में गेंद, और मेरे को लगता है एक और बार विराट कोहली के पास जाएगा बिल्कुल, और एक और कैच विराट के हाथ में। तो भाई विराट कोहली और ईशान किशन आज कैचिंग प्रैक्टिस करते हुए एक और बार एक्शन रिप्ले हो गया भाई, पीए इफ्तिकार की विकेट का सेम तरीके से आउट हुए यहाँ पे, और सिराज को मिलती हुई अपनी चौथी विकेट। नसीम शाह को जाना पड़ेगा वापस, कुलदीप यादव गेंदबाजी में, शाहीन शाह अफरीदी बल्लेबाजी में, और क्लीन बॉल इसी के साथ पाकिस्तान की पारी यहाँ पर समाप्त। 163 रन पे भाई पाकिस्तान ऑल आउट हो गया, और बहुत ही बढ़िया गेंद भाई, सीधी रही गेंद, अफरीदी समझ नहीं पाए और